पंजाब से पटना जा रही इनोवा कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसके बाद कार सवार दो लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। लेकिन वहीं अभी तक एक युवक के कार के ही फंसे होने की संभावना है, कार में फंसे होने की संभावना ये जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम कार की तलाशी कर रही है। बता दें कि घटना स्थल पर उप जिलाधिकारी सहित मवई और पटरंगा पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितेश सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, नहर में इनोवा गाड़ी पलट गई, इस दौरान क्या कुछ अपडेट है आपको आपके पास? जी पवन जी, आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह 3 बजे का जो घटना है, 3 बजे कार जो है अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी है। मवई थाना क्षेत्र के नहर में जाकर के जो है कार गिर गई है। इसमें रेलवे के डीईएम पद पर तैनात है सीनियर ऑफिसर अमित कुमार, जिनकी मौत हो चुकी है। उप जिलाधिकारी रुदौली विपिन कुमार सिंह ने अभी इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है सीनियर ऑफिसर अमित कुमार ये फिरोजपुर पंजाब से पटना जा रहे थे। अमित कुमार जिनको वो अपने परिवार को लेने जा रहे थे, उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है। गाड़ी को गोताखोरों द्वारा व पटरंगा व मवई पुलिस फोर्स द्वारा निकाला जा चुका है। धन्यवाद नितेश तमाम जानकारी के लिए। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।